हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। इसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की वैकेंसीज है, 143 पोस्ट्स हैं, 143 वैकेंसीज हैं। और अगर एनुअल पैकेज की बात करेंगे, मंथली पैकेज नहीं है ये, सालाना पैकेज है, मतलब ईयरली पैकेज है, 5,10,000, 5,10,000 पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। ग्रेजुएट टीचर के लिए 195 वैकेंसीज हैं, जिसके लिए 3,45,000 या 3,46,000 अराउंड ईयरली इनकम है, सैलरी है। असिस्टेंट टीचर की पोस्ट है 115 पोस्ट। असिस्टेंट टीचर में डीएलएड वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 3 लाख के अराउंड जो है वो ईयरली इनकम है। कंप्यूटर ट्यूटर और लेबोरेटरी असिस्टेंट, इनके लिए फिक्स सैलरी है। टोटल 486 वैकेंसीज हैं। जब बड़े नंबर पर वैकेंसीज रहती है 300, 400 या 1,000 में, तो कैंडिडेट्स की क्वेरी रहती है बाहर के स्टेट के कैंडिडेट अलाउड रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो ये चीज़ें पहले देख लेंगे कि नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज हुई है, बाहर के स्टेट के कैंडिडेट्स को अलाउ किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है, इसके बाद आप बाकी की डिटेल कवर करेंगे। तो आपके यूज़ की होगी तो एंड तक आप वीडियो देखें, सारी इन्फॉर्मेशन कम्प्लीट दी जाएगी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये नोटिफिकेशन में ही सैलरी मेंशन की हुई है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और बाकी सभी की, मैंने एडवर्टीजमेंट से ही लिया हुआ है। अब इसमें बात आती है कि नोटिस कहाँ से रिलीज हुई है, बाहर के स्टेट के कैंडिडेट, वो पहले चेक करेंगे। तो ये आदर्श विद्यालय संगठन आसाम से नोटिस रिलीज हुई है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ आसाम, डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन हायर एजुकेशन, और इसी में आपको एडवर्टीजमेंट देखने को मिलती है लेटेस्ट सेक्शन में, लेटेस्ट न्यूज में। इसमें क्या लिखा है वो देखेंगे। द आदर्श विद्यालय संगठन आसाम इन्वाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन आसाम फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट हु आर परमानेंट रेसिडेंट ऑफ आसाम। तो कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर ये बिल्कुल एसेंशियल रहता है कि वहां के आप परमानेंट रेसिडेंट हैं, मतलब आपके पास डोमिसाइल आवासीय या रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट उसी स्टेट की है, तो आप अप्लाई कर सकेंगे। उनमें से एक है आसाम, जैसे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इनमें इन जगह से अगर वैकेंसीज आती हैं तो फिक्स रहता है कि यहाँ पर आपको रेसिडेंशियल होना होगा सर्टिफिकेट। तो क्लियर है कि आसाम के परमानेंट रेसिडेंट्स के लिए है। तो आगे अब आप बाकी की डिटेल देख सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं। दूसरी चीज क्या है कि ये कॉन्ट्रैक्ट पर रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होती रहेगा। फिलहाल जो 11 मंथ्स के लिए रहेगा, एवरी रिन्यूअल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन सेटिस्फैक्ट्री एनुअल परफॉर्मेंस शैल बी फाइनेंशियली इंसेंटिवाइज्ड। मतलब हर साल जब कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करेंगे तो सैलरी, ऐसे नहीं कि यही सैलरी रह जाएगी, ये सैलरी बढ़ती रहेगी, प्लस होती रहेगी। तो कॉन्ट्रैक्ट पर ही, अब जैसे कई जगह पे आप देखेंगे कस्तूरबा गांधी में कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करते रहते हैं और 4-5 साल बाद सैलरी बढ़ा देते हैं। तो कई जगह पे ऐसा रहता है कि कॉन्ट्रैक्ट पर ही लेते हैं लेकिन रिन्यू करते रहते हैं। तो यहाँ रिन्यू भी करेंगे और साथ ही साथ सैलरी भी बढ़ती रहेगी। तो इसमें जो सब्जेक्ट है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, अभी आप आसाम के हैं तो आप देखें बाकी की डिटेल। सब्जेक्ट वाइज अगर पहले देख लिया तो आप स्किप कर सकते हैं वीडियो को। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए इंग्लिश, आर्ट्स में इंग्लिश, MIL, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इतना पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए वैकेंसीज हैं इसमें। और ग्रेजुएट टीचर में आर्ट्स साइंस हिंदी है, असिस्टेंट टीचर में आर्ट्स साइंस है, कंप्यूटर टीचर। तो आर्ट्स है, साइंस है, हिंदी है जनरल टीचर, असिस्टेंट टीचर में साइंस एंड आर्ट्स सब्जेक्ट है, कंप्यूटर ट्यूटर, लैब असिस्टेंट। सभी के लिए क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए आर्ट्स है या साइंस है तो उसमें आपको 55% मार्क्स के साथ में ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों में 55% या अबव मार्क्स होना चाहिए, साथ में बीएड होना चाहिए। तो पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट में 55% या अबव मार्क्स के साथ एंड बीएड चाहिए। तो ये हो गया। इसके बाद बात करते हैं ग्रेजुएट टीचर की। ग्रेजुएट टीचर में इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया पेज नंबर 3 पर दिया हुआ है, जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है पेज नंबर 3 पे पढ़ लें। 100 मार्क्स का जो है 100% मार्क्स ऑन परसेंटेज ऑफ मार्क्स एटसेट्रा। तो ये अच्छा, इसमें ये नहीं है सिलेक्शन क्राइटेरिया में, यहाँ पर कोई एग्जाम नहीं होगी ऐसा लग रहा है, क्योंकि सभी पॉइंट्स दिए हुए हैं ग्रेजुएशन और इन सब पे। तो इसका मतलब है कि मेरिट लिस्ट बनेगी क्वालिफिकेशन पर बेस्ड, एग्जाम नहीं होंगे ऐसा लग रहा है। इसके बाद फिर ग्रेजुएट टीचर के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए मेजर में, आर इन आर्ट्स विद मेजर ऑनर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 55% एंड अबव मार्क्स, बीएड होनी चाहिए।
मेजर ऑनर्स मतलब क्या होना चाहिए, आपने बीएससी ऑनर्स या बीए ऑनर्स ऐसा, एंड बीएड होनी चाहिए। इसके बाद इसमें एग्जाम नहीं है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आगे देखेंगे, ग्रेजुएट टीचर हिंदी का भी वैसे रहेगा, कुछ दिया हुआ है कि प्रवीण वगैरह। असिस्टेंट टीचर के लिए डीएलएड होना चाहिए और ग्रेजुएट होना चाहिए, इसमें ऑनर्स की जरूरत नहीं है। ग्रेजुएट हैं आप आर्ट्स में 55% या अबव मार्क्स के साथ, एंड डीएलएड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट नहीं मांगी गई है यहाँ पर, या टेट नहीं मांगा गया है, ऐसा लग रहा है टेट तो नहीं मांगा गया है। तो ये है। फिर कंप्यूटर टीचर वगैरह के लिए भी देखी जा सकती है। फीस की अगर बात कर लेते हैं तो एप्लीकेशन फीस जो है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 350 रुपीज़ है, ग्रेजुएट टीचर के लिए 200 रुपीज़, असिस्टेंट टीचर के लिए 150 रुपीज़, कंप्यूटर ट्यूटर के लिए अप्लाई करेंगे तो 100 रुपीज़, एंड लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 100 रुपीज़। कैंडिडेट की एज लिमिट मैं सर्च कर रही थी, मिल नहीं रही थी, अभी मिल गई मुझे। इसमें जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज सेपरेट मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर ईच कैटेगरी ऑफ द पोस्ट। तो इसमें एग्जाम वगैरह नहीं दिखाई दे रहा है मुझे, जो क्वालिफिकेशन है उसी को क्राइटेरिया बनाया है, उसी पर मेरिट लिस्ट बनेगी। तो उसमें ऊपर में मेंशन कर दिया है कि किस क्वालिफिकेशन पे कितने पॉइंट्स हैं। एज लिमिट मिनिमम 18 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम अपर एज लिमिट जो है 45 ईयर्स होनी चाहिए। एज कैलकुलेशन 1 जनवरी 2023 को बेस लेके करना है। तो 45 साल या उससे कम उम्र के कैंडिडेट, एलिजिबल कैंडिडेट, आसाम के रेसिडेंशियल जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया। बाकी डिटेल्स के लिए सिलेक्शन प्रोसीजर में लिख दिया गया है, द ऑनलाइन एप्लीकेशन रिसीव होगा, शॉर्ट बी शैल बी शॉर्ट लिस्टेड थ्रू एन अप्रूव्ड थर्ड पार्टी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑन रिक्विजिशन क्वालिफिकेशन, रिक्विजिट क्वालिफिकेशन। और इसके बाद वेन कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो इसमें कोई एग्जाम नहीं है और कोई भी इंटरव्यू भी समझ नहीं आ रहा है मुझे, यहाँ पे इंटरव्यू भी नहीं है ऐसा लग रहा है, सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लास्ट डेट क्या है इसकी एप्लीकेशन की वो देख लेते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 16 मई से स्टार्ट हो गई थी और अभी एंड हो जाएगी 25 मई को। अगर बाद में डेट बढ़ाते हैं तो ठीक अलग बात है, बट 25 मई मिडनाइट को इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल बंद हो जाएगी। तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आना है सबसे पहले, और ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आप चले आते हैं तो वेरीफाई कर लें या ऑफिशियल वेबसाइट आपको सही सही लग रही है। वेरीफाई करने के बाद लेटेस्ट में यहाँ पर देखें, राइट हैंड साइड में लेटेस्ट में लिखा है अप्लाई ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ 17 मई, क्योंकि 17-16 मई को आया है तो ये वाली पोस्ट है सबसे ऊपर वाली। इस पे मोर पे क्लिक करते हैं, अप्लाई ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी जीटी मतलब वही टीजीटी हो गया, असिस्टेंट टीचर वेरियस पोस्ट फॉर आदर्श विद्यालय ऑफ आसाम। ये इस पे एप्लीकेशन करने के लिए जब आप क्लिक करेंगे तो ऐसा ओपन होगा, क्लिक हियर टू अप्लाई, तो ऑनलाइन पोर्टल ओपन हो जाएगी। इसी में आपको डेट लिखे रहेंगे सारे एग्जाम के, अप्लाई ऑनलाइन रहेगा, नोटिफिकेशन के लिए भी कहीं पर दिया हुआ है, ये सारी चीजें दी हुई हैं। तो मेन जो वेबसाइट है इसकी लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ होम पेज की, लेकिन इसको प्लीज वेरीफाई कर लें पहले, और वेरीफाई करने के बाद जो इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट है वो एप्लीकेशन कर सकते हैं।